हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ पनीर पकौड़ा। तो उसके लिए मैंने पनीर को ऐसे स्लाइसेस में कट किया है, आप अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी किसी भी साइज़ की कट सकते हो। यहाँ पे मैंने बेसन में नमक, हल्दी, थोड़ा सा चावल का आटा और उसमें थोड़ा सा गरम मसाला, देखिए अच्छे से इसका ऐसे बैटर बना लिया है, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी। और ये है थोड़े से ब्रेड क्रम्स। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ये पैन रखा है, इसमें मैं थोड़ा सा सरसों तेल डाल रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे सरसों तेल में बना रही हूँ। इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से पनीर को अच्छे से मैंने डिप किया इस बैटर में। उसके बाद मैं इसको हाथ से निकाल के अच्छे से ब्रेड क्रम्स पे इसको अच्छे से फैलाऊंगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने अच्छे से ब्रेड क्रम्स को ऊपर से ओवर कोट कर दिया है। अब मैं इसको डीप फ्राई करूंगी। इस तरीके से इसको हल्के हाथ से मैंने इसे पलट दिया है और मैं इसको मीडियम फ्लेम पे, पहले मैंने हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से ऑयल को हीट होने दिया, उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको मैं बना रही हूँ, जिससे जो है ऊपर का ब्रेड क्रम्स जो हमने डाला है वो जलेगा भी नहीं और पनीर भी अच्छे से पकेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारे पनीर को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे कवर अप किया है। एक टूट भी गया है। मेरे पास थोड़े से ये ब्रेड के ऐसे साइड स्लाइस बचे हुए थे। आप देख सकते हैं मेरे पास ऐसे ब्रेड के साइड के स्लाइसेस बचे हैं, जिसको हम कभी कभी ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं और वो वेस्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर इसी ब्रेड के साइड के स्लाइसेस को मैं बैटर में प्रॉपर डिप करके फिर जैसे मैंने पनीर पकौड़े को बनाया वैसे इसको बनाऊंगी। आप भी एक बार इसको ट्राई करिए, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में और पता भी नहीं चलेगा कि ये ब्रेड। इस पनीर पकौड़े को खाने के लिए उसके साथ मैं एक सॉस बना रही हूँ मिक्स करके, आप भी इस तरीके से ट्राई करिए। यहाँ पे मैं लूँगी एक चम्मच सेजवान सॉस, इसमें मैं यहाँ पे इसमें मिक्स कर रही हूँ 2 टेबल स्पून मेयोनीज, टोमेटो सॉस वो भी 2 स्पून। आप देख सकते हैं इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं मेरा पनीर पकौड़ा और ये सॉस जो मैंने बनाई ये रेडी है। तो आप भी बनाइए, खाइए इस तरीके से, और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।